हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज मनाएंगे त्यौहार स्पेशल जो हमारे राजस्थान के अंदर त्यौहार पे बनाते हैं, चावल और मोट वो बनाएंगे। हमारे राजस्थान के अंदर होली व दीपावली दोनों त्यौहार पे हमारे बनाते हैं चावल और मोट। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैं एक कटोरी चावल ली हूँ और एक कटोरी मोट ली हूँ। इनसे बनाएंगे चावल और मोट, साबुत मोट बनाएंगे। हमारे राजस्थान के अंदर बनाते हैं, ये एकदम देसी वाली मोट है और राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी खेती होती है मोट की। तो मैं चावल पहले बना लेती हूँ और बाद में मोट बनाऊँगी। चावल तो झटपट बन के तैयार हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मोट बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं चावल बना लेती हूँ पहले। और मैं कुकर ले लेती हूँ, कुकर के अंदर चावल डाल देती हूँ। चावल डाल के और फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और फिर चावल को बॉईल करके तैयार कर लूँगी। पानी डाल दी हूँ मैं, थोड़ा पानी और डाल के और फिर कुकर को बंद करके और चावल को बॉईल कर लेती हूँ। कुकर का ढक्कन बंद कर दी हूँ मैं। अब चावल बना के तैयार कर लेती हूँ। अब गैस पे चावल को चढ़ा देती हूँ और दो तीन सीटी ले लेती हूँ, चावल को बॉईल कर लेती हूँ। राजमा और चावल तो बहुत खाया होगा, लेकिन आप एक बार मोट और चावल बना के खाओगे तो राजमा चावल का टेस्ट आप भूल जाओगे। एक बार ज़रूर बना के खाइए, फिर आप मोट चावल बना के खाना ही पसंद करोगे। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरे अगले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सीटी आ गई है, ऐसे करके मैं एक दो सीटी ले लेती हूँ। चावल अच्छी तरह से बॉयल होकर तैयार हो गए, तो लीजिए चावल को कुकर को बंद कर दी हूँ। चावल बन के तैयार हो गए, एकदम खिले खिले और खुले खुले चावल बन के तैयार हो गए। अब मैं मोट बना लेती हूँ। अब मोट ले ली हूँ मैं, एकदम देसी वाले मोट हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध मोट हैं। अब इसे भी एक कुकर ले लेती हूँ और कुकर के अंदर डाल के और पहले एक मोट को बॉयल कर लेती हूँ, जैसे दाल को बॉईल करते हैं पहले वैसे। इसमें मैं पानी डाल देती हूँ और पानी डाल के इसके अंदर मसाले डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ कुछ मसाले, हल्दी डाल देती हूँ और हल्दी डाल के और फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, क्योंकि ये उफने का नहीं मोट, इसलिए। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ और मोट को बना के तैयार कर लेती हूँ। इसके अंदर भी दो तीन सीटी में मोट अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएंगे। अच्छी तरह से दो तीन सीटी ले लीजिए, मोट अच्छी तरह से पक जाएंगे और मोट इतने टेस्टी बनते हैं, आप एक बार बनाओगे तो आपका मन बार बार बनाने का करेगा। दोनों रेसिपी इतनी इजी हैं बनाने में और खाने में इतनी टेस्टी हैं। हमारे होली दीपावली यही बनते हैं, कई जगह अच्छे अच्छे पकवान बनते होंगे, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर मोट और चावल बनते हैं, इसके ही हम धूप लगाते हैं यानी कि भोग लगाते हैं। अब मैं ले लूँ धनिया और हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन और प्याज, सभी को मैं कट करके तैयार कर ली हूँ। और अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ मोट का छुकन लगाने के लिए। अब मैं ऑयल डाल दी हूँ और ऑयल को अच्छी तरह से गरम करके और मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ, दो टुकड़े तेज पत्ते के डाल दी हूँ। अब मैं जीरा डाल देती हूँ, जीरे और तेज पत्ते को अच्छी तरह से पका लूँगी। अब मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ, इसे भी अच्छी तरह से पका लूँगी ब्राउन कलर होने तक।
अच्छी तरह से पका के और फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी प्याज। फिर प्याज को भी अच्छी तरह से पका लूंगी। तो मैं प्याज डाल देती हूँ और प्याज को भी अच्छी तरह से पका लूंगी। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे, एकदम ग्रेवी वाला मसाला बना के तैयार करेंगे। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल देती हूँ, प्याज पक के तैयार हो गए। हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से पका लूँगी। अच्छी तरह से प्याज और हरी मिर्च को पकने के बाद में मैं मसाला ऐड करना शुरू करती हूँ। अब मैं हल्दी डाल दी हूँ, अब लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ 1 चम्मच। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ नमक स्वाद अनुसार। चुटकी भर हींग डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ चुटकी भर गरम मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, घर का बना हुआ गरम मसाला है। अच्छी तरह से पका लूँगी ऑयल छोड़ने तक। फिर अच्छी तरह से पका के और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। वैसे तो ऐसे ही कितना अच्छा कलर आया है, लेकिन हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च और डाल देती हूँ, इससे और भी अच्छा कलर आएगा। अच्छी तरह से पका लूँगी और अच्छी तरह से पका के फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो देखिए अच्छी तरह से ऑयल छोड़ने लग गया मसाला, अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ टमाटर और टमाटर को अच्छी तरह से पका लूँगी। टमाटर को लास्ट में इसलिए डाली हूँ क्योंकि पहले मसाले को अच्छी तरह से पकाई हूँ और बाद में टमाटर डाली हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके और अच्छी तरह से पका लूँगी। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से पक गया और ऑयल छोड़ने लग गया। अब मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए मोट डाल दूंगी। मोट एकदम टेस्टी बनेंगे, तो मैं मोट ऐड कर देती हूँ। देखिए जो मैं बॉईल की थी वो मोट हैं, एकदम देसी वाली मोट हैं और अच्छी तरह से मैं बॉईल करके तैयार कर ली। अब मैं डाल देती हूँ 1 साथ पूरे को डाल दूंगी और अच्छी तरह से पका के तैयार कर लूँगी। आपने मोठ की दाल तो खूब खाई होगी, लेकिन साबुत मोठ की ना तो खाई होगी ना बनाई होगी साबुत मोठ की सब्जी। हमारे राजस्थान के अंदर चावल और मोठ बनाते हैं होली दीपावली त्यौहार पे, और बाकी मिठाई वगैरह कितनी भी लाओ पर मेन चीज़ तो चावल मोठ होते हैं। इससे ही हमारे लक्ष्मी जी के भोग लगाते हैं चावल मोठ का। और इसे अच्छी तरह से पका के तैयार कर लूँगी। बहुत टेस्टी मोठ बन के तैयार हो रहे हैं। देखिए झटपट बन गए दोनों रेसिपी, बन के तैयार हो गई चावल और मोठ की। अब मैं इसके अंदर हरे धनिया की पत्तियाँ ऐड कर दूँगी, इससे और भी टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। लास्ट में हरे धनिया की पत्तियां डालने से हरी की हरी रहेंगी और कलर भी अच्छा रहेगा। नवे रसोई के अंदर आपको चावल और मोठ की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने राजमा चावल तो खूब खाए होंगे, राजमा और चावल आज खाइए मोठ और चावल। देखिए कितने प्यारे और कितने अच्छे मोठ और चावल बन के तैयार हुए हैं।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।